हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और तैयारियों में जुटे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि एसे या लेटर के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है, या फिर आपको उनकी तैयारी जो है वो बिल्कुल कर लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा से जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जिन्हें एग्ज़ाम लेने होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके दिमाग में होते हैं, जो कुछ करंट आप कह सकते हैं करंट टॉपिक्स जो करंट न्यूज़ में आए होते हैं, छाए होते हैं जो न्यूज़ में, तो उनसे जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्हीं कुछ टॉपिक्स को हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यही हम मतलब अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसी तैयारियों के लिए कुछ ऐसे जो टिप्स दें, या फिर कुछ ऐसे आप लोगों को मटेरियल दें कि आप लोगों का तैयारी जो है वो बेस्ट हो सके। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। शुरू में हम पहले एसे की बात कर लेते हैं, फिर हम लेटर की बात करेंगे। तो जिनको एसे जो एसे की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो में अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एक कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, हर घर योजना जो है, जिसका नाम सौभाग्य है स्कीम का, तो ये इसका नाम है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक जो प्रधानमंत्री के द्वारा जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, तभी से इतने सारे इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स निकाल रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन आने की सबसे संभावना होती है ज़्यादा। और अभी आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख भी सकते हैं, आप न्यूज़ में भी रहा होगा, और एसएससी इवन एसएससी एमटीएस टायर वन के भी आप देखते होंगे कि इनसे क्वेश्चन आते थे। दूसरे टॉपिक की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ, आवास योजना जो है ये भी इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा जो है संचालित की गई है। तो ये आपसे इससे जो है इस टॉपिक पर आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ, 10-12 टॉपिक्स, जिनकी तैयारी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मतलब क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दुनिया भर की जितनी बुक्स होंगी या जितने ऐसे के टॉपिक्स होंगे सब पढ़ के जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास अपनी एबिलिटी होना चाहिए, फिर भी कुछ एक आपके पास जो आइडिया होना चाहिए, मतलब अभी जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा तो उन पे आप एटलीस्ट एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा उनके बारे में, कि कुछ आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ये स्कीम में हुआ क्या था, ताकि आप वहाँ जाके ऐसे नहीं मतलब बात नहीं बनाना पड़े। आपके पास एक टॉपिक हो, आपके पास एक मटेरियल हो, आपके पास एक क्वालिटेटिव एटीट्यूड हो, जिससे आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे के आ सकें। तो तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो एक डिजिटल इंडिया हो गया। चौथे की बात करें तो प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY हो गया, स्किल्स इन लाइन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो प्रवासी कौशल विकास योजना जो है ये हो गया। फिर उड़ान स्कीम, उड़ान योजना जो है ये भी आप कह सकते हैं, उड़ान स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये सब जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो उनका जो एक महत्व है वो ऐसे ही बढ़ जाता है। फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूँगा इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत अभियान, और इस पर आप ज़रूर तैयारी करके जाइएगा। फिर अगला मेक इन इंडिया जो है, ये भी आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है मेक इन इंडिया, ये भी इसे भी आ सकता है। फिर स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया, तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ हैं ये अभी एक साल पहले आया होगा लगभग ये सब स्कीम, और ये जो 3-4 अभी लास्ट में आप देख सकते हैं 4-5, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, तो ये सब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हैं, तो आप देख लीजिए। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो ये सब करेंट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे एटलीस्ट में, जैसा कि मैंने कहा, कम से कम आप जाके एक बार सब के बारे में ज़रूर पढ़ लें, कि हाँ मैं मतलब एक आपके पास आइडिया तो होना ही चाहिए कि हाँ इन सब के बारे में मैंने पढ़ लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा याद कर लीजिए कहीं से, ये आपके लिए संभव भी नहीं है और ये सही भी नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या पूछेगा, ये जो है आपको मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि आप याद कर लिए वही पूछ देगा, ज़रूरी तो है नहीं। इसलिए कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करें कुछ ऐसे तथ्य लिखने का, इसलिए इन बारे में मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो करप्शन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब जो है एक टाइप से ये आप कह सकते हैं कि एवरग्रीन टॉपिक है, तो ये सब एवरग्रीन है। अभी मैंने जो बताया वो करेंट था, ये सब एवरग्रीन है, हमेशा आता है। तो करप्शन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ऊपर जो था वो था महिला सशक्तिकरण, फिर उससे ऊपर भ्रष्टाचार था, फिर राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रखती है, तो राइट टू प्राइवेसी, फिर दी कश्मीर इशू, कश्मीर मुद्दा जो है ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो GST बिल भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी GST हुआ था, और एक कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो वो है। फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था अभी, सरकार ने किया था, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लें। और अर्थक्वेक, भूकंप जो है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर आप यहाँ अगर देखें लेटर की, अगर हम बात करें तो लेटर की हम बात करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए एक ऐसे जो ऐसे की तैयारी कर रहे हैं उनको हम ये कह सकते हैं आपकी डिवोट करते हैं, तो
ये उनके लिए डिवोटेड है। तो हम यहाँ पे एसएससी जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और भी हम आपको कुछ टॉपिक्स आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले बताया एक डीमोनेटाइजेशन बस यहाँ पे है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्रिपल तलाक जो है, तीन तलाक, ये दो एक दो चीज़ जो है जीएसटी के बारे में मैंने कहा ही, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे मैंने कहा डीमोनेटाइजेशन हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, फिर अपना जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, फिर मेक इन इंडिया, ये सब जो है कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला। और फिर मतलब ये जो अभी डीमोनेटाइजेशन आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लिस्टेड है, पॉल्यूशन इन इंडिया, जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस, ट्रिपल तलाक, करेंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सब भी कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा है उसे आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, और उन सब के बारे में ज़रूर देख लें। अगर आपको और तैयारी में अपनी जो एक्यूरेसी है अगर आप उतना पहले करिए जो हमने इंपॉर्टेंट बताया, जैसे मैंने डिमोनेटाइजेशन, पॉल्यूशन इन इंडिया, फिर ये सब जो इंपॉर्टेंट बताया आपको, तो पहले उसके बाद जब वो तैयारी हो जाए तो फिर आप यहाँ आइए, मुड़ के देखिए यहाँ पर कि और कौन कौन से टॉपिक्स हमने बताए थे। तो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये सब एक एवरग्रीन टॉपिक आप कह सकते हैं, लेकिन जो उस पेज में मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट और करेंट से रिलेटेड थे, ये सब एवरग्रीन है। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था पिछले साल, तो ये आप कह सकते हैं कि ब्लैक मनी वालों को तहस नहस करके रख दिया इस फैसले ने, तो इससे ज़रूर मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन आए, इससे ज़रूर आने के चांसेस हैं क्वेश्चन, तो ये सब आप देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आपका जो तैयारी है उसका लेवल हम बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको सक्सेस पाना है तो क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। इसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इसे आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा, तो क्वांटिटी पे कभी मत जाइए, क्वालिटी देखिए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो हमारे चैनल को, और यहाँ पर एक बेल का निशान होगा घंटी का, उस पर क्लिक कर लें ताकि हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये आप इन बातों पर ध्यान रखिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे वीडियोज़ और आप लोगों के लिए और भी कुछ अपडेट्स लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर आप हमारे चैनल से बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले हम अपने चैनल पे आपको दिखाते हैं, चाहे वो रिजल्ट हो, कट ऑफ हो या कुछ भी हो, तो वो हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा तो बहुत ही फ़ायदे में आप लोग रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ईमानदारी से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ों को हम यहाँ पर उपलब्ध करा सकें। तो हमारे चैनल के साथ बस बने रहिए। हमारा फेसबुक पेज जो है कंपटीशन चुटकी में, उम्मीद है कि आपने उसे लाइक कर लिया होगा, ना किया हो तो नीचे हमने लिंक दिया उस पर लाइक कर लिया, उस पर आपको तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे, तो हर रोज़ के न्यूज़ मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ आप लाइक कर लिए, और कोई प्रॉब्लम हो अगर आप वहाँ मैसेज करते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। और एक और बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं अगर आपको उनकी स्टडी मैटर उनके बारे में आपको मतलब जैसे यहाँ पर आप कहिए कि जैसे ये हो गया एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मैंने कहा, फिर यहाँ पे जैसे करप्शन हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, इस पे अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक या किसी 5-10 टॉपिक पे आपको चाहिए स्टडी मटेरियल तो वो आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, तो उतना हम आपका हेल्प कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट, आपको बेस्ट मटेरियल वहाँ के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऐसे कौन सा है, ऐसे की बात हमने कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेटर कौन सा है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।